चलिए आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे। दिल्ली में महाराष्ट्र पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे और बावन कुले बैठक में शामिल हैं। बीजेपी लोकसभा की हार का बदला विधानसभा में जीत से लेने का सॉलिड प्लान बना रही है। तो उधर मुंबई में पवार खेमा मॉनसून सत्र के बाद सत्ता बदलने का दावा कर रहा है। महायुति और महागाड़ी सियासी बिसात पर एक दूसरे को मात देने की तैयारी में लगे हैं। महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली टू मुंबई जीत का फॉर्मूला तलाशने की जंग। अघाड़ी महायुति की जंग में किसकी होगी जीत? महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर 180 दिन बाद चुनाव होना है। दिल्ली से मुंबई तक सियासी बिसात बिछाई जा रही है। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए क्या समीकरण सेट किए जा रहे हैं? लोकसभा में बड़ा उलटफेर करने वाली इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को तगड़ा झटका देने का दावा कर रही है। अजीत गुट के 19 विधायकों के पाला बदलकर शरद गुट में शामिल होने की हवा बनाई जा रही है। इसका टाइम भी बता दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक है। उसी के बाद पाला बदल होगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हमारे संपर्क में 18 से 19 विधायक है। और दूसरी बात, जब अधिवेशन होने जा रहा है तब उस विधायकों को वहाँ पे निधि या फंडिंग मिलने वाला है। अभी अगर विधायक आ जाएंगे तो फंडिंग उनको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही अधिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो विधायक हमारे संपर्क में है और जिनको लेना है वो हमारे नेता आदरणीय पवार साहब वो निर्णय लेंगे, तो उनका निर्णय अधिवेशन के बाद लिया जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अधिवेशन के बाद ये सरकार भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ है, क्योंकि महायुति अधिवेशन के बाद टिकेगी ऐसा हम सबको नहीं लगता। रोहित पवार के दावों को अजीत पवार की पार्टी सत्ता से दूर रहने की हताशा और लोकसभा के रिजल्ट का साइड इफेक्ट बता रही है। फिर से वो मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुझे ये सवाल है कि रोहित पवार को इस तरह से बयानबाजी करने का अधिकार अधिकृत रूप से पवार साहब की पार्टी में कब से मिला? क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर एमएलए उनके संपर्क में भी है तो वो पार्टी के अध्यक्ष को संपर्क करेंगे। क्या उन लोगों के पास पवार साहब का मोबाइल नंबर नहीं है? क्या उन लोगों के पास सुप्रिया सुले का मोबाइल नंबर नहीं है? क्या उनके पास जयंत पाटिल से संपर्क करने का नंबर नहीं है? तो ये रोहित पवार को क्यों संपर्क करेंगे? क्या रोहित पवार इतने बड़े नेता हो गए हैं कि पवार साहब, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल साहब को बाईपास करके हमारे एमएलए लोग उनके संपर्क में जाने लगे? महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पिक्चर की बात करें तो महायुति की सरकार को कोई खतरा नहीं है। नंबर गेम में शिंदे, अजीत और फडणवीस शरद पवार से बहुत आगे हैं। महायुति के पास 207 विधायकों का समर्थन है। अघाड़ी का नंबर 77 है और 4 सीट अन्य के पास है। महाराष्ट्र में कुल 288 और बहुमत का आंकड़ा 145 है। महाराष्ट्र में जितना फोकस समीकरण बनाने पर है उतना ही फोकस माइंड गेम पर है। लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगने के बाद बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप महाराष्ट्र को लेकर बहुत गंभीर है। इसकी वजह भी जान लीजिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बढ़त सिर्फ 85 सीट पर मिली है। मतलब बीजेपी को घाटा 20 सीट का हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 23 सीटें थी। 2024 में बीजेपी 9 सीट पर आ गई। इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र से दिल्ली तक एक्शन में है। महाराष्ट्र में बीजेपी ग्राउंड पर एक्टिव है तो दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है। सीनियर लीडर के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे शामिल हुए। विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है और गठबंधन को कैसे मजबूत बनाना है इसका फुल प्रूफ प्लान बनाया गया।
महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा फडणवीस हैं। फडणवीस का एक फॉर्मूला फेल हो चुका है, अब फडणवीस फिर से महाविजय की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली आने से पहले फडणवीस नागपुर के दौरे पर थे। नागपुर से ही फडणवीस की फ्लाइट सीधे दिल्ली लैंड हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नागपुर बहुत अहम है। नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है और फडणवीस नागपुर के ही दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं। 10 दिन में फडणवीस 2 बार नागपुर का दौरा कर चुके हैं। 17 जून से पहले 7 तारीख को फडणवीस नागपुर गए थे, तब संघ के साथ 2 घंटे तक हार पर चिंतन और मंथन हुआ था। सूत्रों का कहना है कि सरकार में फडणवीस को बने रहने की सलाह संघ ने ही दी थी, इसी के बाद फडणवीस ने इस्तीफा नहीं दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियों का प्री टेस्ट होने वाला है। महाराष्ट्र में 4 सीटों पर एमएलसी चुनाव होगा। विधान परिषद का चुनाव मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक क्षेत्र के लिए होगा। मतदान 26 जून और नतीजे 1 जुलाई को आएंगे। फडणवीस ने ये चारों सीट जीतने का दावा किया है और इसके लिए फडणवीस और शिंदे अभी से जोर लगा रहे हैं। कोंकण में महायुति की महाविजय के लिए महायुति विजय संकल्प सम्मेलन किया गया। इस रैली में फडणवीस ने 3 बड़ी बातें कही। पहली, लोकसभा में विपक्ष के झूठे नैरेटिव के कारण झटका मिला। दूसरी, सरकार लोगों के अनुकूल है, हमें इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। तीसरी, एमएलसी चुनाव से महाराष्ट्र में एक नया नैरेटिव सेट होगा। मतलब ये, इस बार बीजेपी विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि बात घुमा दी जाए। प्रीटेस्ट के लिए खटपट के बाद अब अघाड़ी गठबंधन भी तैयार है। अघाड़ी की गाड़ी को 3 सीट पर उद्धव की शिवसेना लीड करेगी तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मुंबई स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक से शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस कोंकण स्नातक से उम्मीदवार उतारेगी। महाराष्ट्र में प्रीटेस्ट के साथ ही पार्टियां फाइनल एग्जाम यानी विधानसभा चुनाव की भी प्रिपरेशन कर रही हैं। सबसे पहले बीजेपी का ब्लूप्रिंट समझ लीजिए। सभी 48 लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हारी और जीती हुई सीटों पर समीक्षा की जाएगी। 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आलाकमान के पास पहुंच जाएगी। आगे का प्लान रिपोर्ट के आधार पर बनाया जाएगा। दरअसल बीजेपी इंटरनल सर्वे में अपनी खामियां दूर करना चाहती है, लेकिन जब तक रिपोर्ट बन नहीं रही है तब तक बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर ग्राउंड पर जनता से संवाद करेगी। जिस नेगेटिव परसेप्शन से चुनाव में झटका लगा है उसे बाउंस बैक किया जाएगा। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और आरएसएस के स्वयं सेवक विपक्षी नैरेटिव का सच बताएंगे। मराठा बाहुल क्षेत्र में एमएलए या एमपी ग्राउंड पर एक्टिव रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में एक नई मुहिम चलाएगी। इसका नाम होगा हम हारे नहीं, हम मन से नहीं हारे। वोट प्रतिशत और सीट में भी नहीं हारे। बीजेपी ने इस मिशन के लिए अपने 35 लाख कार्यकर्ता और 48 वरिष्ठ नेताओं की टीम को एक्टिवेट किया है। दिल्ली से पहले खुद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने नागपुर में संवाद बैठक की। महाविकास आघाड़ी 0.3% से जीती। जीत मुबारक है उनको। हमने हार स्वीकार कर ली है। हम जनता में जा रहे हैं। अभी तो पहले फेज में हम 288 विधानसभा में हमारे 48 नेता महाराष्ट्र के, हर विधानसभा में कौन सी बात ऐसी है जहां पर हम कम रहे उसका आकलन हम कर रहे हैं। तो हम भी जनता में जा रहे हैं। हम भी मतदाताओं के पास जाकर हर बूथ वाइज, हर जनपद की जो एरिया है, जिला पंचायत की, हम धन्यवाद मतदाताओं के धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यात्रा भी निकालेंगे। हमारी यात्रा होगी, अभी इस महीने में यात्रा होगी, और हर मतदाता के पास जाकर उन्होंने जो वोट दिया है उसका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और आने वाले दिनों में मोदी जी की सरकार की योजनाएं वो घर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे।
दूसरी तरफ पवार ने अभी से गेम शुरू कर दिया है। पवार को छोटी पार्टियों पर ज्यादा भरोसा है जो एमबीए के वोट जोड़ने के लिए पार्टनर तलाश रहे हैं। सीपीएम के नेताओं के साथ पवार की बैठक हो चुकी है। करीब 55 मिनट तक शरद पवार के घर पर यह बैठक चली। सीपीएम ने सोलापुर सेंट्रल समेत 12 सीटों की डिमांड की है। अघाड़ी गठबंधन में तो तीनों मुख्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग की बात कही गई है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीट पर जीत मिली है। विधानसभा में 100 से 105 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं उद्धव गुट को लोकसभा में 9 सीटों पर जीत मिली है। विधानसभा में पार्टी को 90 से 95 सीटें दी जा सकती हैं। शरद पवार गुट को चुनाव में 8 सीट पर जीत मिली है। विधानसभा में 80 से 85 सीट मिल सकती है। इस फॉर्मूले पर मीटिंग और डिस्कशन होना बाकी है। जब निर्णय लिया जाएगा वो मीडिया के सामने साझा किया जाएगा कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण जी से भी ये सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया कि हम स्ट्रेटेजिकली हम डिसाइड करेंगे कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, कौन मोस्ट केपेबल है टू विन द सीट। हमारा एकमात्र मकसद है कि जनता ने जो हम पे विश्वास दिया है, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो हम पे भरोसा जताया है, उस भरोसे पे हम कायम रहे, वो विश्वास हम उनको जताते रहे। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में इलेक्शन मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया है। पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के मैनेजमेंट का इंचार्ज अनिल देसाई को बनाया गया है। भास्कर जाधव को विदर्भ, सतारा, सांगली और कोल्हापुर की जिम्मेदारी दी है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी की जिम्मेदारी विनायक राउत पर है। रायगढ़ की कमान अनंत गीते और सुनील प्रभु को दी गई है। संजय राउत को मुंबई समेत कई जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी चल रही है, किस तरीके से चुनाव में उतरने का मन बना रहे हैं? आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में, आदित्य जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के जब तैयारियां शुरू की तभी से विधानसभा की चुनाव तैयारी हमारी शुरू। क्या मीटिंग्स होंगी, सीट का डिस्कशन कब होगा? वो हमारी स्ट्रेटजी है, वो चल रही है। क्या 288 सीटों पर भी चुनाव लड़ने का मन बनाया, क्योंकि बीच में संपर्क प्रमुखों को आप लोगों ने बुलाया था और वो सब जगह से रिपोर्ट मंगवाई है? जो संगठनात्मक जो विषय रहते हैं वो संगठनात्मक विषय उसी तरह से चलते हैं। 288 विधानसभा के रिपोर्ट्स मंगाना ये अपने पार्टी की अंदरूनी स्ट्रेटजी जिस तरह से रहती है उसमें रहती है। महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन हम साथ साथ हैं का नारा लगा रहा है। ऑन कैमरा कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। मुंबई में अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले शामिल नहीं हुए थे। नाना पटोले कांग्रेस के उस धड़े को लीड करते हैं जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करता है। महाविकास आघाड़ी केवल नाम है, उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, तो किस तरह से इकट्ठा रहेंगे ये सवाल हर किसी को है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। युति करके हमने लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ा था, आज भी युति के तौर से ही, युति करके ही हम महाराष्ट्र की जनता के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे, जीतेंगे। और हमने जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में की है वो जनता देख रही है। और हर एक का कहना था कि जब असेंबली होगी तो हम आपको ही वोट करने वाले हैं।